सुप्रभात प्यारे छात्रों, हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम हिंदी व्याकरण ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। आपने शिक्षा में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। आप अपनी पिछली कक्षा से को पास करके अपनी नई कक्षा में आ गए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हिंदी व्याकरण में एक जो हमारा पहला अध्याय होता है, हमेशा हिंदी में, आपने पिछले हिंदी में भी पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, उससे पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, और वह है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये एक ऐसा अध्याय है जिसको जाने बिना, जिसको समझे बिना हम अगर व्याकरण पढ़ने जाएं, या हम अपना साहित्य पढ़ने जाएं, या हिंदी क्या है वो पढ़ने जाएं, तो इसे जाने बिना हम नहीं समझ सकते। तो आज का हमारा अध्याय यही है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा किसको कहते हैं? अगर हम ये जानना चाहें कि भाषा किसको कहते हैं, तो जहाँ हम अपने विचारों को एक आदान प्रदान करते हैं, जहाँ हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें, यानी कि लोगों के विचारों को, उनके मनोभावों को हम ग्रहण करें, और या कहना चाहिए कि हमारी भाषाएं या हमारी मनोभाव हम उन्हें समझाएं, इसके लिए जो हम साधन का उपयोग करते हैं, यानी अपने विचारों को, अपनी मानसिक सोच को, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, अगर ये हम समझाना चाहें, तो ये जिस भी साधन के माध्यम से हम समझाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। आप समझ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम समझना चाहें, अगर मुझे यहाँ, हम जहाँ हैं वहाँ से, उस गांव या उस शहर से अगर हमें किसी और दूसरे शहर में जाना है, तो या उस शहर से किसी और को हमारे शहर में आना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बस का यूज़ करेंगे, ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं, एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का जो साधन, ठीक है, ऐसे साधन को हम क्या कहते हैं? यातायात। तो उसी तरीके से हमारे विचार जो हमारे दिमाग में हैं, हमारी सोच में हैं, हमारे जो भाव हैं, ये हमें अगर किसी और तक पहुँचाने हैं, किसी और व्यक्ति तक पहुँचाने हैं, या किसी और व्यक्ति के हमें समझने हैं, हम तक पहुँचने हैं, तो ये चीज़ को पहुँचाने का जो एक साधन है, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अगर हम परिभाषा के रूप में इसे देखें, तो सीधी सी परिभाषा ये होती है कि अपने विचारों या मनोभावों को जिस साधन के द्वारा हम आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। ये जो भाषा साधन है, ये जो माध्यम है, वो भाषा कहलाता है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। वैसे हम सांकेतिक भाषा को भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो आपने देखा होगा चौराहे पर संकेत करते हैं गाड़ियों को आने जाने के, ठीक है, या अगर चिड़िया जैसे चहचहाए, ठीक है, अगर कोई कुत्ता ऐसा है जो कि अपनी स्वामी भक्ति दिखाना चाहेगा, तो उस व्यक्ति के पास जाकर अपनी पूंछ हिलाने लगेगा, तो ये एक सांकेतिक भाषा होती है। वैसे मुख्य रूप से भाषा जो है वो मौखिक और लिखित दो तरीके से होती है। सांकेतिक को भी हम मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, हमारे विचारों का आदान प्रदान हम बोल कर करें, ठीक है, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान
बोल कर करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, ठीक है। और जब विचारों का आदान प्रदान वो लिख कर करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब भाषा का भाई वास्तविकता यह है कि हम आपस में बोलकर एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, तो लिखित भाषा हम क्यों अपनाएं? तो लिखित भाषा के अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है लिखित भाषा का। क्योंकि जब लिखित भाषा होती है तो आज से पहले जो कुछ भी हुआ, जब हम इस दुनिया में नहीं थे, तो उन चीज़ों को हम लिखित भाषा के रूप में ही जान सकते हैं। हमारे बाद जो कुछ लोग बाग जानेंगे, आने वाली पीढ़ियां जानेंगी, वो हमारे द्वारा लिखी हुई चीज़ों से ही जानी जाएगी। हर चीज़ को, मतलब हम अपनी भाषा को एक स्थायी रूप दे सकते हैं, ठीक है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषा को लिखित रूप में उन तक पहुंचा सकते हैं। हमारे अपने ज्ञान को हम लिखित रूप में स्थायी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारे लिखित भाषा का महत्वपूर्ण गुण है। अब हम ये कहते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो सीधी सी बात है, भाषा चार प्रकार की होती है। मातृभाषा, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा जहाँ पर हम जन्म लेने के बाद जो भाषा हम अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने घर के बड़े लोगों से सीखते हैं, ठीक है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। यानी परिवार में रहकर हम जो सीखते हैं, हम जो समझते हैं, जिस भाषा को, वह मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद आती है मानक भाषा। अब मानक भाषा किसको कहते हैं? शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा मानक भाषा। मानक भाषा जो भाषा को एक जैसा रूप देने के लिए हर जगह पर, क्योंकि हमारी धरती पर और इस धरती पर हर ऐसा माना जाता है कि हर 20-25 किलोमीटर पर भाषा एक नया रूप ले लेती है, एक नई नया बोलने का तरीका एक ले लेती है। तो फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा, एक ही भाषा के अलग अलग रूप हो जाते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हमारी जो मेवाड़ी भाषा है, उदयपुर में अलग बोली जाती है, वो भी मेवाड़ी ही है। चित्तौड़ में जो बोली जाती है वो भी मेवाड़ी है, लेकिन इन दोनों भाषा में बहुत कुछ अंतर आ जाता है। अब भाषा एक ही है मेवाड़ी, लेकिन बोलने के तरीके में बहुत अंतर आ जाता है, कुछ शब्दों में भी अंतर आ जाता है। तो भाषा को एक जैसा स्थायी रूप देने के लिए, सब जगह पर एक समानता लाने के लिए भाषा को हमारे जो भाषा के विद्वान लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो जाने माने विद्वान कहे जाए शिक्षा जगत में, वो भाषा को एक जैसा रूप देने के लिए जिस भाषा को मान्यता देते हैं, वह मानक भाषा कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा जो पूरे राष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाए और समझी जाए, ठीक है। यानी ऐसी भाषा जिसको हमारे भारत में या जो भी राष्ट्र है भारत के अलावा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बोलते हों, बहुत ज़्यादा समझते हों, ठीक है, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और चौथी भाषा आती है हमारी राजभाषा। राजभाषा जहाँ पर राजकाज में, यानी सरकारी कार्यों में या ऑफिस के कार्यों में हमारे जितनी भी जिस भाषा का उपयोग हम करते हैं, ठीक है, वो भाषा राजभाषा कहलाती है। यानी राजकीय कार्य में काम आने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारे भारत में राजभाषा दो हैं, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला, और वो भी मिला था 14 सितंबर 1949 को, ओके।
14 सितंबर यानी 14 सितंबर हमारी हिंदी को राजभाषा होने का मिला था। उसके बाद आता है बोली। बोली हमारा जो इतनी देर हमने भाषा पढ़ी, अब हम बोली पढ़ने जा रहे हैं। भाषा का अल्प विकसित, अल्प का अर्थ होता है छोटा सा, तो भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। यानी भाषा का जो रूप है वो थोड़ा सा ही विकसित हो, पूरी तरीके से विकसित यानी चारों तरफ से फैला हुआ नहीं हो। अगर इसे हम अपनी भाषा में समझना चाहे तो मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि कम क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा जो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा जो बहुत ज़्यादातर लोगों द्वारा ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है, और बोली भाषा का वो रूप जो विकसित नहीं हुआ है, जो पूर्णतया विकसित नहीं है और कम लोगों के द्वारा सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। ओके, अब भाषा का एक गुण ये भी है कि भाषा में साहित्य की रचना होती है और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। ओके, उसके बाद आता है लिपि। लिपि किसको कहते हैं? लिपि भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों को निर्धारित करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। और ये प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। अब इसे हम समझें कैसे, यानी कि चिन्ह जिसे हम कहते हैं, ध्वनि के हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ बाहर निकलती है, उन ध्वनि के लिए हमने कुछ चिन्ह डिसाइड किए हैं, कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। आप सब उन चिन्हों को बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे कि आप अगर अंग्रेजी लिखना चाहें तो बिना अल्फ़ाबेट के, यानी कि बिना ए से जेड ABCD याद किए बिना आप अपनी अंग्रेजी को नहीं लिख सकते। यानी वो ए से लगा कर जेड तक जो अल्फ़ाबेट है वो एक प्रकार से चिन्ह है। इसी तरीके से हिंदी में अ से लगा कर ज्ञ तक जो वर्ण है वो वर्ण क्या है, वो चिन्ह है। अगर मैं म लिखकर आपसे कहूँ कि ये क है, ठीक है, या मैं कबूतर लिखते वक्त क की जगह म लिख दूँ, तो आप उसे क के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मुंह से ध्वनि क की निकल रही है तो उस क को लिखने का जो हम चित्र बनाते हैं वो भिन्न रूप होता है और म का भिन्न होता है। यानी हमने क की ध्वनि निकालने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया है, म लिखने के लिए हमने एक निश्चित चिन्ह बनाया है। तो ये सारे चिन्ह जिन्हें हम वर्णों के नाम से जानते हैं ये लिपि कहलाती है। अब आप लोग अच्छे से समझ सकते हो ये लिपि यानी भाषा को लिखने का तरीका। अगर एक छोटे वर्णों में, छोटे शब्दों में हम समझना चाहें, लिखना नहीं है कहीं पर भी, लिखते वक्त तो हमें यही लिखना पड़ेगा कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। बाकी अगर समझना है तो लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। अब अंग्रेजी की लिपि अलग होती है, हिंदी की अलग है। आपको पता है कि अंग्रेजी की रोमन है, हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, संस्कृत की देवनागरी है। तो इस तरीके से हर एक भाषा की लिपि अलग होती है। उसके बाद आता है व्याकरण। हमारे अध्याय का जो चौथा बिंदु है वह है व्याकरण। व्याकरण क्या है? अगर हम ये समझना चाहें तो इसका अर्थ है वह विषय या शास्त्र जो हमें किसी भी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये परिभाषा है, शायद आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ, अगर हम इसी परिभाषा को देखें तो शायद समझ में कुछ कम आएगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि वह विषय या वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि व्याकरण में भाषा के बारे में वो सब बताया जाता है कि कहाँ पर क्रिया लगेगी, कहाँ पर कर्म होगा, कहाँ पर कर्ता होगा, कहाँ पर विराम आता है, कहाँ पर कोमा आता है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, कहाँ पर कौन सा शब्द वाक्य में पहले आता है, कौन सा शब्द बाद में आता है, किस शब्द की किस रूप में हम व्याख्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें
हम व्याकरण के थ्रू ही सीखते हैं। जैसे कि आप किसी भी भाषा की व्याकरण ले लें, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो बिना ग्रामर के आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ वर्ब लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, ये आपको ग्रामर में ही सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से व्याकरण में आपको कहाँ क्रिया लगानी है, कहाँ सहायक क्रिया लगानी है, कहाँ आपको पद बनते हैं, कहाँ आपके शब्द बनते हैं, कहाँ आपका समास आता है, ये सब चीज़ें आपको व्याकरण में ही पढ़ने को मिलती है, व्याकरण में ही समझने को मिलती है। व्याकरण एक अनंत विषय है, ठीक है। अब व्याकरण के हम तीन भाग कर सकते हैं, शब्द, वर्ण और वाक्य। अगर कर्म क्रम से पढ़ें तो वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है, ये हमारे वाक्य के तीन भाग हैं, सॉरी व्याकरण के हमारे तीन भाग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे के अध्यायों में हम इन्हीं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और निश्चित पढ़ेंगे, और अगर हम सब ने मन लगाकर पढ़ा तो व्याकरण हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में जो मुख्य चीज़ें हैं वो मुख्य बातें हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहली तो ये कि हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। ये बहुत ही सुंदर और मुख्य बात है कि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। ये हिंदी की एक विशेषता है। आप लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं, आपने वहाँ देखा होगा कि कहाँ बहुत सी जगह पर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं लेकिन उनका प्रोनंसिएशन नहीं होता है, ठीक है, कह दिया जाता है वर्ड साइलेंट है, ठीक है, नहीं अल्फ़ाबेट साइलेंट है यहाँ पर। कितनी जगह जैसे कि मैं कुछ एक दो शब्दों की बात में करूँ, एक दो वर्ड की बात करूँ, नॉलेज, ठीक है, अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो नॉलेज की स्पेलिंग एन से शुरू होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश में नॉलेज की स्पेलिंग के से चालू होती है। तो ये एक बेवजह का एक्स्ट्रा शब्द, एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट दिया गया है उसमें, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी जगह पर इस तरीके के वर्ड को साइलेंट कर दिया जाता है। नी की स्पेलिंग ले लो, नाइफ़ की स्पेलिंग ले लो, तो वहाँ पर मतलब कहाँ कहीं कहीं पर। अब इसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूँ, हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है, अब कहीं पर आपके अंग्रेजी में सी स का प्रतीक भी होता है, सी क का प्रतीक भी होता है, सी च का प्रतीक भी होता है, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रोनंसिएशन निकल रहे हैं एक सी वर्ड से, सी अल्फ़ाबेट से अलग अलग वर्ड बन जाते हैं, अलग अलग प्रोनंसिएशन हो जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में तो जो लिखा गया है उसके लिए उसी के लिए एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। क के लिए क ही होगा, म के लिए म ही होगा, छ के लिए छ ही होगा, यहाँ तक कि अगर आधा वर्ण आ रहा है तो उसका प्रोनंसिएशन भी स्वतंत्र ही होगा, उसके भी एक अलग से ध्वनि चिन्ह बनाया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, ठीक है, मतलब जितनी ध्वनियाँ हिंदी में हैं उतना ही वर्ण, उतने ही चिन्ह उसके लिए निर्धारित हैं। इसलिए कहा जाता है कि देवनागरी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, और जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। उसके अलावा दूसरी जो मुख्य बात है हिंदी की वो ये है कि हिंदी भाषा 18 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि भारत के 18 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तीसरी उसकी विशेषता ये है कि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही है। हिंदी राष्ट्रभाषा है वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों द्वारा, यानी ज़्यादातर लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। अभी अभी मैंने कहा था बीच में कि हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई, लेकिन फिर भी उसे राष्ट्रभाषा माना जा सकता है, उसे राष्ट्रभाषा माना जाता है, माना जा सकता नहीं, माना जाता है। और राजभाषा तो उसको 19 सितंबर 1949 यानी कि 19 सितंबर 1949 में घोषित कर दिया गया है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और हिंदी हमारी राजभाषा भी है।
हिंदी की लिपि देवनागरी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कर ली थी कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, मराठी व संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। इसके अलावा कुछ जैसे मैंने अभी बोल कहा था आप लोगों को कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, ऐसे अलग अलग जो लिपियाँ हैं, अलग अलग भाषा है, उनकी अलग अलग लिपि दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अध्याय समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपने इस को बंद कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा।